हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की जो प्रिपरेशन चल रही होगी वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस बात के साथ मैं आज का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। आज के टॉपिक में एकदम अगर देसी भाषा पे बोले तो आज के टॉपिक में हम एमाइनो एसिड से उसका कार्बन स्केलेटन छीनने वाले हैं, एकदम देसी भाषा में अगर बात करें तो। इसके पहले तो वीडियो पे हमने उससे उसका एमाइनो ग्रुप छीना था, वाया ट्रांसएमिनेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। एंड इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जो मैंने बात किया था, जिसका थंबनेल डालना भी मैं भूल गया, वो है यूरिया साइकिल। मज़ा कर रहा हूँ। वो दोनों के बाद अब हम लोगों को जानना होगा कि जो कार्बन स्केलेटन रह गया है एमाइनो एसिड पे, उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। पहली बात, एमाइनो एसिड के कार्बन स्केलेटन से, इसका मतलब 20 जो स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड है, उन 20 एमाइनो एसिड के कार्बन स्केलेटन से हमें टोटल 7 मेटाबॉलिक प्रोडक्ट मिलता है। मैं यही नहीं बोल रहा कि हर एक एमाइनो एसिड से तुम्हें 7 के 7 मिलेगा, पर हर एक एमाइनो एसिड में इस 7 में से कोई एक ज़रूर मिलेगा। किसी किसी में भी आप लोगों को 2 भी मिल सकता है। पर पूरा 7 कभी भी नहीं मिलेगा। दिस 7 मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आर एसिटाइल कोए, एसिटोएसिटाइल कोए, पाइरूवेट, अल्फा कीटोग्लुटारेट, साक्सिनिल कोए, फ्यूमारेट एंड ऑक्सालो एसिटेट। नाउ अगर आपने 4, 5, 6, 7 को ध्यान से नोटिस किया, ये लोग और कोई नहीं TCL साइकिल का इंटरमीडिएट है, राइट। एंड इस श्रीमान को तो आप पहचानते ही होंगे, ये है ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट। क्यों बोल रहे हो अभी? ये है ग्लाइकोलाइसिस का इन प्रोडक्ट, राइट। एंड ये दोनों शायद आपको ये लिए नया हो गए। ये दोनों भाई भी आते हैं फ्रॉम द कार्बन स्केलेटन ऑफ एमाइनो एसिड। नाउ अब तो सेल को इस 7 प्रोडक्ट का भी कुछ करना पड़ेगा। सेल तब सोचता है कि मेरा मेटाबॉलिक नीड क्या है। इफ सेल की ज़रूरत है फैटी एसिड और कीटोन बॉडी, जो एमाइनो एसिड से उसको एसिटाइल कोए एंड एसिटो एसिटाइल कोए मिला है, उस एसिटाइल कोए एंड एसिटो एसिटाइल कोए से वो फैटी एसिड और कीटोन बॉडी बनाने में फोकस करेगा। क्लियर हुआ? एंड अगर सेल समझा कि भाई मेरा मेटाबॉलिक नीड है ग्लूकोज, मुझे एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो एमाइनो एसिड ने उसको पाइरूवेट, अल्फा कीटोग्लुटारेट, साक्सिनिल कोए, फ्यूमारेट एंड ऑक्सालो एसिटेट दिया है, वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को वो ले लेगा एंड उस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस वो बनाएगा ग्लूकोज। क्लियर हुआ? इस वीडियो में हमारा मेन जो फोकस रहेगा, हम लोग जानेंगे कौन कौन एमाइनो एसिड से हम ग्लूकोज बना सकते हैं एंड कौन कौन एमाइनो एसिड से हम फैटी एसिड और कीटोन बॉडी बना सकते हैं एंड कौन कौन एमाइनो एसिड से हम लोग दोनों चीज़ ही बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन क्लासीफाई एमाइनो एसिड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड, अनदर वन इज कीटोजेनिक एमाइनो एसिड एंड द लास्ट वन इज ग्लूकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक एमाइनो एसिड। अगर मैं बोलूँ ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड क्या है, ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड है ऐसा एमाइनो एसिड जिसका कार्बन स्केलेटन से तुम्हें मिलेगा TCL साइकिल इंटरमीडिएट और पाइरूवेट। एंड TCL साइकिल इंटरमीडिएट कौन कौन, लास्ट का जो 4 मैंने दिखाया था। चार कौन कौन थे वो 4 में, वहाँ पे थे तुम्हारा अल्फा कीटोग्लुटारेट, वहाँ पे थे ऑक्सालो एसिटेट, साक्सिनिल कोए एंड फ्यूमारेट। अलॉन्ग विद दैट तुम्हें पाइरूवेट भी मिल सकता है। नाउ ये जो 5 हमें मिला मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, इस सब से हम लोग तैयार कर सकते हैं ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड दैट इज व्हाई ये सब एमाइनो एसिड को हम बोलेंगे ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड। ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड के कैटाबोलिज्म से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पाइरूवेट एंड TCA साइकिल इंटरमीडिएट, राइट। एंड इस सब से हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड दैट इज व्हाई ये सब एमाइनो एसिड को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोजेनिक एमाइनो एसिड। नाउ अब बात करते हैं अबाउट कीटोजेनिक एमाइनो एसिड।
सो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोजेनिक अमाइनो एसिड वो सब अमाइनो एसिड है जिसके कार्बन स्केलेटन, कार्बन का जो स्केलेटन है उसका अगर तुमने कैटाबोलिज्म किया तो तुम्हें मिलेगा एसिटाइल कोए एंड एसिटो एसिटाइल कोए। क्लियर हुआ? सो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड के कैटाबोलिज्म से तुम्हें मिलेगा एसिटाइल कोए एंड एसिटो एसिटाइल कोए। क्लियर? नाउ इस एसिटाइल कोए एंड एसिटो एसिटाइल कोए से तुम बना सकते हो फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडीज। ओके, एंड इस कीटोन बॉडी से नाम से ही हमने ये सब अमाइनो एसिड का नाम रखा है कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ओके, सो दो अमाइनो एसिड है जो प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है, दे आर लाइसिन एंड ल्यूसिन। क्लियर हुआ? हुआ ना? चलो बहुत बढ़िया। सो नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट द अमाइनो एसिड हु आर बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ओके, मतलब इससे तुम ग्लूकोज भी बना सकते हो, इससे तुम फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज भी बना सकते हो। सो ऑल द एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक मीन्स मैं यहाँ पर हिस्टिडिन एंड प्रोलिन को छोड़ के बात कर रहा हूँ। सो फिनाइल एलानिन, तुम्हारा टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये तीन भाई ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक बोथ है, अलॉन्ग विद वन ओएच ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन। ओके, ये पांच को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। सो फिनाइल एलानिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन अलॉन्ग विद थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन हमारा हो गया ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक बोथ। कीटोजेनिक सिर्फ है ल्यूसिन एंड लाइसिन, एंड इन आठ को छोड़कर जो 12 रह जाता है वो सब के सब है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। नाउ अल्फा अमाइनो एसिड और नॉर्मल अमाइनो एसिड जो भी बोले, इस अमाइनो एसिड का और एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे डिपेंडिंग ऑन क्या वो इन प्रोडक्ट बना रहा है ड्यूरिंग इट्स कार्बन स्केलेटन्स कैटाबोलिज्म। ओके, मतलब कार्बन स्केलेटन के कैटाबोलिज्म में ये क्या क्या इंटरमीडिएट बना, सॉरी इंटरमीडिएट नहीं, मैं इंटरमीडिएट क्यों बोला जा रहा हूँ, क्या क्या वो इन प्रोडक्ट बनाएगा उसके ऊपर बेस करके हम लोग अमाइनो एसिड को चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट कैटेगरी इज अमाइनो एसिड फॉर्मिंग एसिटाइल कोए। ओके, सो टोटल 10 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है जो अपने कार्बन स्केलेटन के कैटाबोलिज्म में एसिटाइल कोए बनाता है। ओके, एंड इस कैटेगरी को दो सब कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। वन इज जो लोग ड्यूरिंग एसिटाइल कोए फॉर्मेशन पाइरूवेट को होकर गुजरता है। ओके, मतलब एसिटाइल कोए के फॉर्मेशन के टाइम ये पाइरूवेट भी बनाता है एज एन इंटरमीडिएट। ओके, सो दे आर पहला दो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, इसका तो साइन मैंने भूल लिखा, ग्लाइसिन एंड एलानिन, इसके साथ एक ओएच ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड दैट इज सेरिन, अलॉन्ग विथ वन SH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड और एक ओएच ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड दैट इज थ्रियोनिन। ओके, सो थ्रियोनिन सेरिन दो ओएच ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड एक साथ रहते हैं इन पाइरूवेट प्रोड्यूसिंग एसिटाइल कोए जो लोग अमाइनो एसिड बनाते हैं। एक आसान भाषा में बोलूं कि वो सब अमाइनो एसिड जो लोग एसिटाइल कोए के फॉर्मेशन के टाइम पाइरूवेट भी बनाते हैं, उसमें दो एज ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड आ गया, दो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आ गया ग्लाइसिन एलानिन, उसके साथ रहा एक SH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड दैट इज सिस्टीन। ओके, नाउ पाइरूवेट जो लोग नहीं बनाते हैं फिर भी एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन कर जाते हैं, ऐसा अमाइनो एसिड पाँच है। ओके, उसमें हमारा जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है एक्सेप्ट हिस्टिडिन, हमारा प्रोलिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन, ये तीन भाई इस कैटेगरी में आते हैं, अलॉन्ग विद आता है ल्यूसिन एंड लाइसिन। ओके, इसका मतलब कीटोजेनिक अमाइनो एसिड जो है ल्यूसिन एंड लाइसिन अलॉन्ग विद हमारा जो अमाइनो एसिड प्योर एरोमेटिक है, फॉर एग्जाम्पल फिनाइलएलानिन, टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये पाँच लोग एक साथ रहते हैं वो कैटेगरी में जो लोग तुम्हारा एसिटाइल कोए बनाएगा, बट ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए दे विल नॉट
प्रोड्यूस पाइरूवेट, राइट, एज एन इंटरमीडिएट. क्लियर हुआ? एंड पाइरूवेट जो लोग बनाएंगे एज एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एसिटाइल कोए फॉर्मेशन, इन कैटेगोरी में आएगा दो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन एलानिन, इसके साथ आएगा सेरिन, इसके साथ आएगा थ्रियोनिन, एंड उसके साथ आएगा सिस्टीन. क्लियर हुआ? सो नाउ उसके बाद आएगा अमीनो एसिड फॉर्मिंग अल्फा कीटो ग्लूटारेट. ओके, सो यहाँ पर जो आएगा वो है ग्लूटामेट एंड इसका एमाइड वर्शन, दैट मीन्स ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन. दो आएगा बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन, एंड उसके साथ रहेगा एक प्रोलिन. ओके, सो अमीनो एसिड फॉर्मिंग अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कौन कौन रहेगा? दो बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन एंड आवर हिस्टिडिन. दो एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामेट एंड उसका एमाइड फॉर्म दैट इज ग्लूटामिन, उसके साथ रहेगा प्रोलिन. क्लियर हुआ? सो और एक बार अगर बताओ, अमीनो एसिड फॉर्मिंग एसिटाइल कोए में 10 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड रह रहा है. ओके, इसको हमने दो सब कैटेगरी में भाग डिवाइड किया. वन इज जो लोग एसिटाइल कोए के फॉर्मेशन के टाइम पाइरूवेट एज एन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करता है, एंड अनदर वन इज जो लोग पाइरूवेट नहीं बनाता. सो पाइरूवेट जो लोग बनाते हैं उनमें दो नॉर्मल अमीनो एसिड रहेगा एलानिन ग्लाइसिन, उसके साथ रहेगा तुम्हारा दो एज ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, वन इज सेरिन एंड थ्रियोनिन, एंड रहेगा सिस्टीन. एंड इस कैटेगरी में क्या रहेगा? इस कैटेगरी में रहेगा तुम्हारा एरोमेटिक अमीनो एसिड सब, इसका मतलब फिनाइल एलानिन टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, एंड उसके साथ रहेगा कीटोजेनिक अमीनो एसिड ल्यूसिन एंड लाइसिन. ओके, एंड अमीनो एसिड फॉर्मिंग अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कौन कौन रहेंगे? अमीनो एसिड फॉर्मिंग अल्फा कीटो ग्लूटारेट में रहेंगे ग्लूटामिक एसिड, उसका एमाइड फॉर्म ग्लूटामिन, उसके साथ रहेगा दो बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन, एंड उसके साथ रहेगा प्रोलिन. क्लियर हुआ? अब आते हैं अमीनो एसिड फॉर्मिंग सक्सिनिल कोए. ओके, सो यहाँ पर होगा एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मिथियोनिन. ओके, सो एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो था हमारा सिस्टीन, वो बना रहा है एसिटाइल कोए. ओके, एंड ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन वो पाइरूवेट भी बना रहा है. ओके, एंड एक है हमारा मिथियोनिन जो बना रहा है सक्सिनिल कोए. क्लियर हुआ? उसके साथ रहेगा दो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आइसोल्यूसिन एंड वैलिन. ओके, एंड अमीनो एसिड फॉर्मिंग ऑक्सलोएसिटेट में याद रखना, जो एक एसिडिक अमीनो एसिड हमारे लिस्ट में बच चुका था वो था एस्पार्टेट, एंड उसका एमाइड फॉर्म दैट इज एस्पाराजिन. क्लियर हुआ? सो ये था हमारा कार्बन स्केलेटन का कैटाबॉलिज्म. ओके, सो इसका एक सेकेंड पार्ट भी आएगा जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट सम डिसऑर्डर्स दैट ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी इन अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म का कुछ कुछ स्टेप पे. ओके, उसमें एक वीडियो बनाऊंगा, एंड उसके साथ और एक भी वीडियो आएगा जो अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म का लास्ट वीडियो होगा. ओके, उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म वो भी फिनिश हो जाएगा. उसके बाद इच्छा है टू स्टार्ट अबाउट लिपिड मेटाबॉलिज्म. ओके, एंड उसके बाद सबसे बड़ा हम लोग स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. अगर है हमने कर लिया तो मेटाबॉलिज्म को समझ लो कि मोटा मोटा करके CSIR नेट के लेवल पे पूरा तैयार हो चुका है. ओके, सो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए. थैंक यू.